सो हाय गाइज, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, आपका इस वीडियो का होस्ट, जो आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग के क्या सेबी के न्यू रूल्स हैं, अपकमिंग डेज में क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको एक एक डॉट टू डॉट चीजें बताने वाला हूं। अगर आप एक बिगनर हो, अगर एक एडवांस लेवल के हो, तब भी अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में समझना है, आपने कहीं से नाम सुना है बट आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इस वीडियो से आप पूरा क्लियरली समझते हुए दिख जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको फिर से देखना पड़ेगा। इसलिए पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड इसको समझने की कोशिश करेगा। चलते गाइस, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हुए दिखते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात तो जैसा आप जानते ही होंगे कि आपकी मार्केट में नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मली अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने उतरते हो तो आपने भी सुना है कि ट्रेडिंग में आपका सिंपल हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग करते हैं कि एक कोई भी स्टॉक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, इसमें आपका व्यू अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेगा तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए परचेस कर लेते हो। मतलब मान लीजिए 120 रुपीज उसका प्राइस चल रहा है, आप उस स्टॉक का एक शेयर खरीद लिए एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दिया। अब उसका 150 रुपीज प्राइस पहुंच गया तो आप उसको बुक कर लिए, ये हो जाता है एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वही चीज अगर आप इंट्राडे या 2-3 दिन के अंदर करते हो तो वो एक तरीके की ट्रेडिंग हो जाती है, जिसमें अगर आप इंट्राडे में कर लेते हो, इंट्राडे मतलब आप सुबह खरीदे शाम को बेच दिए, सुबह उसका प्राइस 120 था, शाम के टाइम पर उसका 140 हो गया, तो उसके बाद आपका ये 20 रुपीज का हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये नॉर्मल ट्रेडिंग में होता है, ठीक है। और वही चीज अगर आप 2-3 दिन तक होल्ड कर देते हो तो उसको लोग स्विंग ट्रेडिंग कह देते हैं। बहुत दिन तक होल्ड कर देते हैं, 2-3 साल 5 साल 10 साल, तो वो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के रूप में चला जाता है। तो ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। बट यहाँ पे एक उल्टा सिनेरियो भी बनता हुआ दिखता है, जो होता है शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे क्या मेन कॉन्सेप्ट है कि इसमें मार्केट में, जैसे कि इसका जो जस्ट जो चीजें अभी मैंने आपको बताया उसका जस्ट उल्टा, अभी तक जो पिछला वाला व्यू हम लोग का था कि मार्केट में लोअर से मार्केट अपसाइड आपके कुछ दिनों के अंदर जा सकता है, इसके लिए व्यू था, या इंट्राडे में मार्केट अपसाइड जा सकता है उसके लिए था कि आपने नीचे के लेवल पे शेयर को खरीदा और इसके बाद ऊपर भी बेच दिया, ठीक है। बट शॉर्ट सेलिंग में हम लोग ऊपर के लेवल्स पे, हम लोग को एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आ सकता है, या तो गिरने के चांसेस है, कुछ नेगेटिव न्यूज, कुछ नेगेटिव रिजल्ट, कुछ चीजें आ सकती है इस स्टॉक से रिलेटेड जो मार्केट को फॉल करा सकती है। तो हम लोग इस फॉलिंग मार्केट में भी कैसे पैसा बनाए, इसी को कहते हैं एक तरीके से शॉर्ट सेल करके पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। फॉलिंग मार्केट में भी पैसा बन जाए, इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। कैसे करते हैं, अब उसके बारे में आगे चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, हो सकता है कॉन्सेप्ट, जैसे कि स्टॉक का प्राइस अगर 150 रुपीज है तो 150 से मार्केट अगर टूट के 120 पहुंच जाता है शाम तक, तो ये बीच का जो पॉइंट्स है 30 रुपीज का, यही आपका पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा, इसको मिस नहीं करना है। तो मैं होप करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी आपको ध्यान देना है, इसमें भी दो मेथड से होती है। पहली बात तो मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे वीडियो में, बट आप अभी के लिए समझ लीजिए इसमें भी दो मेथड है सिंपल। पहला इंट्राडे मेथड से भी आप कर सकते हो शॉर्ट सेलिंग, एंड एक दूसरा मेथड होता है जो मतलब आप नहीं कर सकते बहुत सारे, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड एवरीथिंग में नहीं अवेलेबल होता, बट वो मेथड है, इसको याद रखिएगा, शेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग मेथड से कर सकते हो आप, ठीक है। बट उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोस्टली जो होता है एक रिटेलर के द्वारा जो आप लोग करते हो वो इंट्राडे होता है, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट चीज जो होती हुई दिखती है वो होती है सिंपल सा कि हम लोग शॉर्ट सेलिंग को कितने मेथड से कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि इंट्राडे, तो इंट्राडे में हमेशा आपको याद रखना है कि आपको MIS ऑर्डर को प्लेस करना है। अगर आपको शॉर्ट सेल करना है किसी भी स्टॉक को तो आपको MIS ऑर्डर को प्लेस करना है, ठीक है। अब आप एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हो, सर मेरे पास तो वो स्टॉक है ही नहीं। मान लो जैसे कि आप अदानी के स्टॉक को शॉर्ट करते हो या कोई भी स्टॉक को शॉर्ट करते हो, बाई करते हैं, तो वो स्टॉक आपके T+1 डे में आपके अकाउंट में आ जाता है, डीमैट में आ जाता है। मान लो आज आपने कोई मान लो ACC का स्टॉक को परचेस करने का डाला, ठीक है, आपने डीमैट से परचेस करा, तो वो T+1 डे में आपके पास सेटलमेंट होके अब आ जाता है। पहले T+2 था, अब वो T+1 डे का सेटलमेंट हो चुका है। बट यहाँ पे तो आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल ही नहीं है, बट आप उसको शॉर्ट कैसे कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल रहते नॉर्मली कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास 50 स्टॉक्स प्रेजेंट थे ACC के, अब आपको लगता है ACC गिरने वाला है तो आप इनके स्टॉक्स को बेच के निकल गए, ये हो गया नॉर्मल चीज। बट अब आपके पास आपको डाउनफॉल मार्केट में भी प्रॉफिट बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, वही MIS ऑर्डर को प्लेस करते हो। MIS बेसिकली इंट्राडे का ऑर्डर होता है, इसको याद रखिएगा, अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग नाम से होगा बट मेनली उसको आपको MIS ऑर्डर ही कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो आप इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस करते हो जिसमें आपका 9:15 से 3:30 इसी के बीच में आपको पोजीशन बनानी भी है और पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी करना है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ भी करना। और नहीं करोगे तो उस केसेस में क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं, बट इसी के बीच में आपको पोजीशन बनानी है एंड इसी के बीच में आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। इंट्राडे में ऑर्डर्स में जो मेनली होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, आप हम लोग समझ लेते हैं।
इस केस में जनरली होगा क्या गाइस कि अगर मान लीजिए जैसे इंट्राडे में आपने ऑर्डर प्लेस करा, अब मान लेते हैं हम लोग 150 क्वांटिटी को मैंने मॉर्निंग के टाइम पे, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी देर बाद गिरने वाला है, तो मैंने 150 क्वांटिटी को शॉर्ट कर दिया। अब 150 क्वांटिटी को मैंने मान लीजिए 200 के प्राइस पे शॉर्ट करा, ठीक है, पर शेयर के हिसाब से, एंड मैंने पर शेयर के हिसाब से 150 स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया है, तो अब उस केस में क्या होगा, अगर उसका प्राइस मान लीजिए आधे एक घंटे के अंदर अगर वो गिर के 170 रुपीस पे आ जाता है या एक दो घंटे के अंदर गिर के आ जाता है, तो मेरे को उसका प्रॉफिट्स को बुक करना है अब, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फॉल कर चुका है, या तो मैं और वेट करूंगा फॉल का, या तो मुझे मान लीजिए प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ पे 150 क्वांटिटी को मैं वापस से परचेस कर लूंगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको मेन चीज जो ये फोकस करना है कि इन दोनों का समेशन जो फाइनल नेट जो क्वांटिटी बनती हुई दिखेगी वो आपकी जीरो हो जाती है, एंड यही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिस शेयर को आपने शॉर्ट करा है वो आपके पास पहले से था नहीं अवेलेबल, एंड अब उसको आप इंट्राडे के अंदर ही वापस से स्क्वायर ऑफ कर ले रहे हो, वापस से बुक कर ले रहे हो अपनी पोजीशन को। ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका जो इंट्राडे के बाद जो ब्रोकर्स के एंड पे जो लेजर में उनके शो करना चाहिए वो नेट क्वांटिटी उनकी हमेशा जीरो होती हुई दिखनी चाहिए, इसको याद रखिएगा। अब गाइज आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, तो आप समझ गए हैं कि आपको शॉर्ट सेलिंग कैसे करना है, ठीक है, आपको इंट्राडे वाला मेथड भी समझ में आ गया, इंट्राडे में हम लोग को पोजीशन बनाना है एंड 3:30 बजे से पहले काट देना है, अगर आप नहीं काटते तो वो आपका ब्रोकर आपके एंड से काटता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को कुछ चीजें और समझना है, जैसे कि अगर मान लीजिए इन द केस अगर उस स्टॉक में मान लीजिए हम लोग ने शॉर्ट करा, ठीक है, 150 रुपीस पे, उसका प्राइस अगर 170 पहुंच गया, तब हम लोग को क्या होगा, तब भी गाइस आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा इन लॉस, बिकॉज अब यहाँ पे आपका 20 रुपीज का पर शेयर के हिसाब से लॉस होता हुआ दिखेगा, इसको याद रखेगा। जिस तरीके से आपका प्रॉफिट है उस तरीके से आपका लॉस भी होता हुआ दिखेगा, अगर 150 से 100 पहुंच गया तो आपका 50 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है। इसीलिए बहुत लोग शॉर्ट सेलिंग को इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक का प्राइस, कोई भी शेयर का प्राइस आपका बहुत ज्यादा ऊपर भी भाग सकता है और बहुत ज्यादा नीचे गिर भी सकता है, बट बहुत ज्यादा के नीचे गिरेगा तो ओनली एंड ओनली 150 रुपीज ही नीचे गिर सकता है, बट 150 वाला स्टॉक आपका बहुत ज्यादा ऊपर भाग सकता है, 300 पहुंच सकता है, 400 पहुंच सकता है, 1000 भी पहुंच सकता है, इसको याद रखिएगा। तो ये पार्ट को आपको भूलना नहीं है, तो इसीलिए शॉर्ट सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर एक क्या आपको लगता है, अब आप पूछोगे तो सर एक दिन में तो 150 वाला 1000 नहीं पहुंच पाएगा, ये बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन एंड बिल्कुल सही है, इसीलिए आपका एक कॉन्सेप्ट नाम आता है अपर सर्किट। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक और चीज में एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूंगा, बहुत लोगों का डाउट होगा कि अगर 150 वाला स्टॉक में जो भी स्टॉक है उसमें आपका अपर सर्किट लग गया, तब उस केस में क्या होगा, तब हम लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी नहीं। अगर मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी को शॉर्ट करके रखा हुआ है और उस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, अब आप हटा ही नहीं पा रहे हो, वापस से उल्टा खरीद ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो स्टॉक ओवर, मतलब एक तरीके से ओवर परचेस्ड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम की बात होगी। पहली बात तो ये बहुत रेयर केस होता है, बट अगर ऐसा होता हुआ दिख जाता है तो वो एक प्रॉब्लम की बात पाई जाती है, एंड उस केस में आपको भारी पेनल्टीज के साथ ऑशन मार्केट में आपका स्टॉक बिकता हुआ दिखेगा। ऑशन मार्केट क्या होती है, हाफ एन आवर की मार्केट होती है जो ब्रोकर्स की होती हुई दिखती है After 3:30, after market closing, क्योंकि आप 3:30 तक ट्राई करें नहीं बिक रहा था मार्केट, ब्रोकर भी ट्राई करा नहीं बिचा, तो उसके बाद आपका सिंपल ऑशन मार्केट में लगता हुआ दिखेगा, एंड उस स्टॉक का प्राइस चाहे 170 पे आपको खरीदना पड़े, 180 पे, 190 पे, प्लस उसके साथ साथ भारी पेनाल्टीज आपको प्ले करके दे के खरीदना पड़े, वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको याद रखिएगा। तो वो काफी खतरनाक सिनेरियो बन जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, बट ये रेयर सिनेरियोज होता है, बट ऐसा हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हुई दिखती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो मैं होप करता हूं ये पॉइंट भी आपके माइंड से एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। गाइज वीडियो को आप जरूर से एंजॉय कर रहे होगे, मैं होप करता हूं, बट ये तीन काम पे एक बार जरा से चेक कर लीजिए, अगर आपने करा है कि नहीं करा है, लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने एक एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है इंटेंस है, इसको याद रखिएगा, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं फर्दर आपको लॉन्ग टर्म में लाइफ टाइम आपको अच्छी अच्छी नॉलेजेस एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर पाऊं। तो ये तीनों काम पे टिक कर दीजिएगा, अब चलते हैं आगे वीडियो को, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट गाइस आपको एक हल्का से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं नॉलेज देना चाहता हूं, जो आपको मैंने एक मैकेनिज्म अभी बीच में बताया था कि इंट्राडे के अलावा आप सिक्योरिटी या तो शेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म के थ्रू भी आप अपना प्रॉफिट्स या शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस को बना सकते हो। तो जल्दी से इसके बारे में भी हल्का से एक ऊपर ऊपर का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोग को क्या होता है, सिंपल सा, जैसे कि हम लोग को अगर मान लीजिए शॉर्ट सेलिंग करनी है, बट हम लोग बेसिकली किसमें कर पा रहे हैं, इंट्राडे में। अगर मुझे वो 3 से 4 महीने के लिए करते हुए दिखना है, मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर इस स्टॉक का प्राइस टूटेगा,
तो मैं शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूं इस स्टॉक में, बट 2 से 3 महीने के हिसाब से। तो इस केस में कैसे मैं कर पाऊंगा पोजीशंस को, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी स्टॉक को बेचता हूं, मान लीजिए अगर मैंने 1000 क्वांटिटी किसी स्टॉक की बेची, बट मुझे 2 से 3 महीने तक बेच के ही रखना है, बट अगर मैं किसी को बेचता हूं तो सामने वाले की तो T+1 डे के सेटलमेंट के बाद उसके उसके डीमैट अकाउंट में स्टॉक को शो करना चाहिए, बट मेरे पास तो स्टॉक था ही नहीं, बट मैंने बेचा भी है, और किसी जो उसने सामने से 1000 स्टॉक को खरीदा है उसके तो डीमैट अकाउंट में T+1 डे सेटलमेंट के बाद वो स्टॉक शो करना चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस केस में इन शॉर्ट्स मतलब इस चीज को सॉल्व करने के लिए यही वाला मैकेनिज्म आया था, जिसमें हम लोग जो शेयर्स होते हैं वो हम लोग किसी से भी बोरो कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, मतलब हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास LICs हो गए, बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके पास बहुत हजारों लाखों क्वांटिटी में शेयर्स पड़े होते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 1-2 महीने के हिसाब से नहीं, 10 साल 5 साल मतलब उसके हिसाब से पड़े रहते हैं। तो हम लोग उनसे लोन पे लेते हुए दिखते हैं शेयर्स को, इसको याद रखिएगा। रिटेलर्स ये काम नहीं कर सकते क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स ये चीज प्रोवाइड नहीं करते, बट जो बिग मनी होता है वो लोग उनसे लोन पे लेता हुआ दिखता है, और उस लोन के बदले उनको क्या मिलता है, एक इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये यहां से हम लोग शेयर्स को ले रहे हैं 1000 क्वांटिटी शेयर्स के लिए, और हम लोग को 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करना था, तो ये इंडिविजुअल के पास आ गया। अब ये इंडिविजुअल क्या करेगा, इसको हर बार हर मंथ के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट पे करेगा, ये 1% भी हो सकता है, ये 2% भी हो सकता है, ये 3% भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डील, इसको याद रखिएगा। बट ये चीज फिर बता रहा हूं, ये चीज आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डिस्काउंट ब्रोकर है, ये चीजें मेनली जो होती हुई दिखती है वो आपका फुल सर्विस ब्रोकर्स के पास होती हुई दिखती है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इस केस में आप क्या करोगे, आपने 2-3 महीने के लिए शॉर्ट करा, अब 2-3 महीने के अंदर प्राइस उसका गिर के मान लीजिए उसका प्राइस 500 था, 500 से गिर के 420 पे आ गया, एंड आपने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया, तो यहाँ पे आपका 80 रुपीज का प्रॉफिट नहीं है, इस 2 से 3% भी आपका एक तरीके से मतलब जाएगा, मतलब एक तरीके से आपके जेब से जाता हुआ देखेगा, तो इसको कम करना पड़ेगा यहां से, एंड उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा वो आपका प्रॉफिट होता हुआ देखेगा। इस केस में जो इनके पास शेयर्स थे उसको आपने लोन पे लिया, जिसके पास सेटलमेंट होके जाना था उसके पास सेटलमेंट होके गया भी, फिर इसके बाद आपने इस लोन वाले शेयर्स को वापस इनको लौटा दिया, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपने भी फिर बाद में इस शेयर्स को नीचे के सस्ते दाम पे खरीद लिया था किसी से, एंड वो इनको वापस से लौटाते हुए आपने दिख गया। ठीक है गाइस, तो मैं होप करता हूं ये वाला भी आपको पार्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट कोई समझाता नहीं है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ गाइस, आप सभी लोगों को ये पॉइंट तो पता ही होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, एंड सबसे अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो ओनली एंड ओनली 5 मिनट्स के अंदर, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट स्टेप होता है किसी भी चीज का, चाहे आप कोई भी थिंकिंग रखते होगे अपने माइंड में, बट सबसे हार्डेस्ट स्टेप होता है एग्जीक्यूट करना, फर्स्ट स्टेप उठाना। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो लर्निंग के पर्पज से, तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एंड एवरीथिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप अपना फटाफट से धन में एंजल वन में किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। मेरा सबसे बेस्ट सजेशन आपको यही रहेगा कि धन अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको दिखेगा, आप उससे फटाफट से अकाउंट ओपन कर लीजिए, एंड हमारे साथ लाइफ टाइम अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखिए, इसको याद रखिए, क्योंकि जो लोग भी अकाउंट ओपन करते हैं मैं उनको फ्री नॉलेज एंड एवरीथिंग भी लाइफ टाइम प्रोवाइड करता हुआ दिखता हूं। तो जल्दी से ओपन करिए एंड हमारे साथ आगे बढ़ते हुए दिखिए। तो गाइस, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम सेबी आती हुई दिख रही है, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या चीज है वो। अगर आप सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे सर्कुलर्स के अंदर आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क फॉर शॉर्ट सेलिंग मिलेगा। आप उसको जब ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होके आता हुआ दिख जाएगा। इस पेज के अंदर आपको पूरा का पूरा सर्कुलर के बारे में लिखा हुआ है। इस सर्कुलर के बारे में हम लोग जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे, आप चाहोगे तो आप भी इस पूरे सर्कुलर को पढ़ सकते हो। पहले के अंदर लिखा हुआ है सिंपल कि शॉर्ट सेलिंग को वही जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उन स्टॉक्स को सेल करना जो आपके पास पहले से एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग आपके पास ना प्रेजेंट हो। जैसे कि मान लीजिए अदानी एंड हिंडनबर्ग की चीजें होती हुई दिखी थी, तो आप सुन ही रहे होंगे कि अदानी के केस में बोला गया था कि मोर देन 90% ऑफ द अदानी स्टॉक्स उनके पास ही प्रेजेंट है। आपको ये चीजें सुनी होगी 75-90% के बीच में अदानी के स्टॉक्स उन्हीं के पास प्रेजेंट है। तब कैसे स्टॉक आपका 50-50% एक एक दिन में टूट गया, वही चीज वहां पे एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस को क्रिएट करा गया था। तो गाइस, अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने होता हुआ दिख रहा है कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग अब कोई भी नहीं कर सकता, इसको याद रखिएगा। अब वो परमिटेड नहीं है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको ध्यान देना है, और जो भी ऑब्लिगेशंस एंड एवरीथिंग होता है डिलीवरिंग ऑफ द सिक्योरिटीज में उसको सभी लोगों को फुलफिल करते हुए दिखना है, वो रिक्वायर्ड है, इसको याद रखना है।
फोर्थ पॉइंट आपका होता हुआ दिख रहा है कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप डे ट्रेडिंग में परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको याद रखें, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स में ड्रॉप आ सकता है, बट हम लोग सुने हुए हैं पहले से, जानते हैं कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं और बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो लोग ज्यादातर वैसे भी ऑलरेडी मतलब पहले से भी बहुत ज्यादा डे ट्रेडिंग के अंदर नहीं इन्वॉल्व रहते थे, इसको याद रखिएगा। वो लोग ज्यादातर स्विंग्स एंड एवरीथिंग पे ही इन्वॉल्व रहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये पार्ट से थोड़ा वॉल्यूम में भी पॉसिबल मंडे के दिन में ड्रॉप हो, कैसा होता है रिएक्शन, वो तो हम लोग को बाद में पता चलता हुआ दिखेगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका होता हुआ दिखेगा कि हम लोग को जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है मतलब जो भी ब्रोकर्स है उनको अच्छी तरीके से सारे सेटलमेंट्स एंड डिलीवरी को कंप्लीटली करते हुए दिखना है। अगर वो फेलियर करते हैं तो उनके ऊपर भारी पेनल्टीज एंड प्रॉब्लम डाली जाएगी, इसको याद रखिएगा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सिक्स्थ नंबर के पॉइंट पे आपको जो मैंने बताया था सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग, यही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था वो वाला कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बता के रखा गया है द सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन एफएनओ शैल बी एलिजिबल फॉर शॉर्ट ट्रेडिंग शॉर्ट सेलिंग, मतलब आप कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग एंड एवरीथिंग नहीं कर सकते, बट आप एफएनओ जिसमें आपका एफएनओ सेगमेंट ऑन है जिन स्टॉक्स में उनमें आप शॉर्ट सेलिंग एंड एवरीथिंग को कर सकते हो। एंड बीच बीच में ये भी सेबी ने मेंशन करा है अपने सर्कुलर में कि आपका वो एलिजिबिलिटी को चेक करता रहेगा उन शॉर्ट सेलिंग के स्टॉक्स की, मतलब जो एफएनओ वाले भी है उनकी भी एलिजिबिलिटी को मार्केट मतलब एक तरीके से सेबी चेक करता रहेगा कि वो एलिजिबल है कि नहीं। सबसे लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने अब आता हुआ दिख रहा है कि आपका सारा का सारा इंस्टीट्यूशंस जो भी आप अब से अप फ्रंट करके अच्छी तरीके से वो लोग बताएंगे पहले ही कि पहले ट्रेड से पहले ही अपना टाइम ऑफ प्लेसमेंट पे ही अपने ऑर्डर के पहले ही बता देंगे कि ये एक शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे बहुत सारी स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग होती होगी इंस्टीट्यूशंस की, वो हार्म हो सकती है, इसको याद रखिएगा। उसका इफेक्ट आपको पता चलता हुआ दिख जाएगा, बट अब उन्होंने बोल दिया है कि शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड को शॉर्ट सेल के ट्रेड को पहले ही से भी अब पहले से ही बताने की कोशिश करेगा, इसको भूलना नहीं है, ये ट्रांजेक्शन पहले ही बता देना है। सारे डिटेलर्स को भी आपका दिया गया है कि वो लोग भी अपना एंड से डिस्क्लोज कर देंगे ट्रेडिंग आवर्स के दौरान कि आपका ये ट्रांजेक्शन जो है ये एक शॉर्ट सेलिंग का ट्रांजेक्शन है। अब इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो पहले ही बता देंगे तो सभी लोग उसमें घुस जाएंगे उस स्टॉक को शॉर्ट करने में। अब देखते हैं क्या इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखता है मार्केट के ऊपर। लास्ट ये लिखा हुआ है लास्ट में कि ब्रोकर्स को अपना अच्छी तरीके से पूरा सब कुछ डाटा एंड एवरीथिंग को मेंटेन करना है, उसको डेली का डेली अपलोड करना है एंड अपना सेम ट्रेडिंग डे पे, ताकि सब चीजें अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती चले, इसको याद रखिएगा, सारे मेंटेन लेजर एंड एवरीथिंग होता चले। तो ये आपका ओवरऑल पॉइंट्स था गाइस, मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा एंड काफी अच्छा होता हुआ दिखा होगा, आपको काफी सारी नॉलेज मिली होगी। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि अमेजिंग नॉलेज उनको भी मिलती हुई दिखे। एंड सभी के सभी लोग जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं वो लोग अपना डीमैट अकाउंट को जरूर से डिस्क्रिप्शन लिंक से ओपन कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही अच्छी तरीके से नॉलेज को लेके अपने ट्रेडिंग के फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हुए देखो एंड हमारे साथ ग्रो करो। एंड सब्सक्राइब की बटन रेड कलर की दिख रही होगी, दबा देना ताकि आपका प्यार भी मुझे मिलता हुआ दिख जाए एंड कमेंट सेक्शन फुल भर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग से शानदार मार्केट के साथ नेक्स्ट डेज, तब तक सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके okay?